औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई हमीरपुर में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमंडल अधिकारी शशिपाल नेगी ने की। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर में आज सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता के अंतर्गत एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी हमीरपुर शशिपाल नेगी ने की। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को लोकतंत्र में उनकी जिम्मेवारी के प्रति उपयोगी जानकारी प्रदान की गई और उन्हें इसके निर्वहन के लिए प्रेरित व जागरूक भी किया गया। युवाओं से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोकसभा आम निर्वाचन के अंतर्गत आगामी 19 मई 2019 को होने वाले मतदाताओं में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। स्वीप के अंतर्गत हस्ताक्षर व टैटू अभियान इन गतिविधियों के मुख्य आकर्षण रहे और दोनों माध्यमों से युवाओं को मतदान का महत्व समझाया गया। इस दौरान युवाओं ने अपने दोस्तों व अन्य परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। शिविर के दौरान ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रदर्शन कर इसके संचालन व क्रिया प्रणाली की जानकारी भी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया गया। छात्र छात्राओं ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदत्त सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त की। इसी प्रकार का कार्यक्रम बाल विकास परियोजना अधिकारी हमीरपुर के कार्यालय में भी आयोजित किया गया। इसमें उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उनसे आग्रह किया गया कि वे मतदान प्रक्रिया में उनके क्षेत्र के सभी मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी बलबीर, आईटीआई हमीरपुर के प्रधानाचार्य सहित आईटी संयोजक, सहायक स्टाफ व छात्र छात्राएं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्वीप कैंपेन के अंतर्गत जो है हमीरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक वोमेन एक आईटीआई हमीरपुर है वहाँ पे, और सीडीपी ऑफिस में जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए खास करके मतदाता जागरूकता अभियान जो था वो आज रखा गया था, जिसमें जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं बिल्कुल फ्रेश वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं जो इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, उनको मतदान के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही सिग्नेचर कैंपेन वहाँ पे करवाया गया बच्चों से, ताकि वो हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनका जो है वो सिद्धांत हैं उनका निर्वहन कर सकें और इस बार जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग करें और साथ ही साथ अपने परिवार और समाज को जो भी है ये संदेश हम उनके ज़रिए जो है वो समाज तक भी जो है वो पहुँचाना चाहते हैं, ताकि जो हमीरपुर ज़िले में या हमीरपुर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर हम इंश्योर कर सकें कि जो मतदान की प्रतिशतता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। यही हमारे स्वीप कैंपेन का जो है वो मुख्य मोटिव है। और इसी श्रृंखला में जो है फिर हमारा जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके उनको भी जो है मतदान के लिए जागरूक किया गया, और जो ईवीएम और वीवीपैट की हमारी मशीन्स हैं उनकी भी उनको डेमोंस्ट्रेशन दी गई, ताकि कैसे जो है क्योंकि बच्चे हैं जो आईटीआई के बच्चे हैं वो फर्स्ट टाइम जो है अपना वोट यूज़ करेंगे, तो जो हमारी ईवीएम और वीवीपैट की जो मशीन है उसका कैसे यूज़ करना है, ताकि उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना हो, कोई शंका ना हो, और साथ ही बच्चों को ये भी बताया गया, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके घरों में कुछ जो हमारे दिव्यांगजन हैं वो भी कुछ ऐसे वोटर्स हैं उसके बारे में भी बच्चों ने जानकारी दी और उनको पूरा बताया गया कि उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे कैसे जो है अपने वोट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे संबंधित जो है वो आज ये कैंपेन जो था वो किया गया। रजनी देवी, हमें जो है जागरूक शिविर लगाया गया है यहाँ पे और उसमें जो है वीवीपैट के बारे में बताया गया तथा जो ये जो है और उसमें जो है एक स्टैम्प थी जो हमें जो है उसके बारे में बताया गया तथा जो है सभी से जो है मतदान के बारे में जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें अपना मतदान दें और इसके बारे में जानकारी दी गई तथा जो हमारे अपंग हैं लोग उनके लिए क्या क्या सुविधाएं विभाग से मिल रही हैं। मीला देवी हमीरपुर, आज हमारे विभाग की तरफ से चुनाव के बारे में बताया गया, जिसमें हमें बताया गया कि जिसमें एक मशीन है ईवीएम के बारे में उसमें बताया गया कि जो भी हम वोट डालते हैं वो वोट उसको हम उस मशीन में देख सकते हैं कि हम जो भी वोट डाल रहे हैं वो उसी व्यक्ति को जा रहे हैं कि नहीं, तो जो भी लोगों के मन में गलत धारणाएँ होती है कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसको नहीं हो पाता हो तो वो उस मशीन में अपने वोट को चेक कर सकते हैं।
और प्लीज सभी अपना वोट जरूर डालें। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।